बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियर से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अल्जाइमर डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, इसमें हमारा जो माइंड होता है वो किस तरह जो उसके जो ब्रेन सेल है उनके दरमियान ब्रेकडाउन जो है ना वो देखने में आता है, तो इसकी जो मतलब मैं इंफॉर्मेशन दूंगा और इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम हमारे जिस्म में जो ना वो देखने में आते हैं और इसकी क्या क्या काजेज होती हैं जिनकी वजह से हमारे जो माइंड होता है उसमें अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो बताऊंगा जो कि अल्जाइमर डिजीज में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूँ डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी फेमस प्लेस के नाम भूल जाते हैं या किसी जो घर में फैमिली मेंबर है उनके नाम भूल जाते हैं और आपकी याददाश्त जो है ना उसमें एक फर्क जो है ना वो देखने में आता है, तो दोस्तों ऐसा डिमेंशिया डिजीज में भी देखने में आता है। लेकिन डिमेंशिया डिजीज और अल्जाइमर डिजीज ये दोनों में जो है ना वो डिफरेंस होता है। बेसिकली डिमेंशिया एक जो है ना सिंड्रोम होता है और अल्जाइमर डिजीज जो है ना ये ग्रेजुअली जो याददाश्त है उसमें एक फर्क जो है ना वो देखने में आता है, उसकी याददाश्त मेमोरी लॉस जो है ना वो ग्रेजुअली होता है। दोस्तों, इसका फर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ना वो अल्जाइमर डिजीज है। तो दोस्तों, अल्जाइमर डिजीज में होता ये है कि अगर आपको याददाश्त में जो है ना वो मसला आ रहा है और आपको सोचने समझने की सलाहियत जो है वो पहले की नस्बत जो है ना वो कम हो रही है, जैसे जैसे आपकी उम्र जो है ना वो बढ़ रही है वैसे आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत जो है उसमें कमी वाकई हो रही है, तो ये एक अल्जाइमर डिजीज का सिम्टम है। दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे जो है ना वो बुजुर्गों को सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं, उनकी मेमोरी लॉस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने को मिलता है और उनकी याददाश्त जो है ना उसमें भी एक डिफरेंस जो है ना वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें इंसान की जो थिंकिंग होती है, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, जो कैपेबिलिटीज होती है, उनमें जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना उम्र के साथ साथ जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों, ये एक अल्जाइमर डिजीज होती है जिसमें इंसान की जो है ना वो याददाश्त में और उसकी सोचने समझने की सलाहियत में जो है ना वो उम्र के साथ ग्रेजुअली जो है ना वो एक डिफरेंस जो है ना वो देखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको अल्जाइमर डिजीज के जो है ना वो सिम्टम बताऊंगा कि इस अल्जाइमर डिजीज में पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो अल्जाइमर डिजीज में पेशेंट को सिम्टम जो है ना वो मिलते हैं वो होता है मेमोरी लॉस का। दोस्तों, पेशेंट की जो याददाश्त होती है उसमें फर्क पड़ जाता है और ये मेमोरी लॉस शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है, यानी पेशेंट अगर कोई अभी कोई टास्क कंप्लीट करके आया है तो उसको उसका भी याद जो है ना वो भूल जाता है या उसकी जो याददाश्त है उसमें फर्क पड़ जाता है, वो जो है ना वो माइंड में रख नहीं पड़ता कि वो कौन सा टास्क जो है ना वो कम्प्लीट करके आया है, या फिर वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़े से टाइम के बाद जो है ना वो चीज जो है ना वो भूल सकता है। तो ये जो मेमोरी लॉस होता है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। सेकंड, इसका जो सिम्टम है वो होता है कि आप मुश्किल से किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं और जो है ना एक थिंकिंग की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है इंसान के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा जो है ना फर्क पड़ सकता है, यानी जो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मुतासर हो सकती है। और ये ऐसा जो है ना वो वक्त के साथ एज में जो है ना ज्यादा होने की वजह से जो इंसान के माइंड में जो है ना ये सिम्टम देखने में आता है, यानी इंसान के माइंड में सोचने समझने की सलाहियत जो है ना उसमें कमी वाकई आप देख सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द एज। इसका थर्ड सिम्टम है पेशेंट में देखने में आता है वो आता है कि आप किसी भी जो न्यू चीज है या तकनीक है आप उसको समझने से जो है ना वो कासर हो सकते हैं, या आपने उससे पहले जो बैकवर्ड पे कुछ चीज सीखी हुई है उसके मतलब आपको याद जो है ना वो भूल सकता है। यानी अक्सर औकात ऐसा लोगों में देखा जाता है कि वो अगर कोई नई चीज सीखते हैं तो उसका उनको याद भूल जाता है और उस चीज के रिलेटेड अगर उनके माजी में कोई उनकी याददाश्त है तो उसमें भी उनको कमी जो है ना वो देखने में आती है, यानी पेशेंट की नई चीज मतलब सीखने की सलाहियत उसमें भी कमी आ सकती है और जो उस चीज के मतलब बैकएंड पे उसके पास कोई मटीरियल है या डेटा है उसमें भी उसकी कमी जो है ना वो देखी जा सकती है। उसके बाद ऐसे लोग जिनको अल्जाइमर डिजीज का इशू है उनमें जो एक डिप्रेशन है और एक मूड स्विंग की जो आदत होती है या फिर एक मूड स्विंग जो अचानक मूड उनका जो है ना वो तब्दील हो जाता है, कभी वो खुश होते हैं और अगले ही लम्हे वो जो है ना वो गमगीन हो जाते हैं और उसके साथ उनके माइंड में बहुत ज्यादा एग्जॉशन जो है ना वो देखने में आती है, माइंड बहुत ज्यादा इरिटेबल जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ साथ उनको जो सोशल विड्रॉल का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी ऐसे लोग जो है ना किसी से बात करते वक्त और किसी के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त जो है ना वो कतराते हैं ताकि उनको जो बात करते वक्त लफ्ज ना भूल जाए, कोई वर्ड जो है ना वो भूल ना जाए या फिर किसी फेमस प्लेस का नाम या फैमिली मेंबर का नाम जो है ना वो भूल ना जाए और इसकी वजह से वो जो सोशल विड्रॉल यानी वो अकेला रहना जो है ना वो पसंद करते हैं, वो किसी के साथ कम्युनिकेशन करना जो है ना वो पसंद नहीं करते।
दोस्तों ये एक चंद एक मखसूस सिम्टम थे जो अल्जाइमर डिजीज में जनाब पेशेंट को देखने में आते हैं। इसमें जो माइंड की बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, एग्जॉशन, डिप्रेशन, मूड स्विंग और किसी के साथ बात ना करने की टेंडेंसी, और उसके साथ पेशेंट की बहुत ज्यादा जो है ना एक नई चीज सीखने की जो कैपेसिटी होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट की इस चीज को सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो भी मुतासर हो सकती है। तो दोस्तों ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे अल्जाइमर डिजीज के जो कि पेशेंट को जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज का इशू है, उसके वक्त के साथ जो है ना उनके सोचने समझने की सलाहियत जो है ना उसमें कमी एक वाकया हो रही है, उसमें एक डेफिशिएंसी जो है ना देखने में आ रही है, तो ये एक अल्जाइमर डिजीज जो है ना वो हो सकती है। अल्जाइमर डिजीज की कॉजेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबल कॉजेज है जिसमें अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों अभी तक तो जितनी स्टडी है उसमें जो है ना इसके जो मेन जो प्रॉपर कॉज है उसका डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन चंद एक मेन कॉजेज है जिसमें देखा जा सकता है कि ऐसे लोग जो जेनेटिकली है, जेनेटिकली भी ये चीज जो है ना पेशेंट में अक्सर जो है ना वो देखी जाती है, और उसके साथ दोस्तों ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता हो, ऐसे लोगों में भी अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों हेड इंजरी के केस में भी ये जो सिम्टम है वो पेशेंट में देखने में आते हैं, या फिर हेड ट्रामा के केस में भी ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट के जो अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और उसके साथ दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट में भी ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है उनमें भी अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और उसके साथ दोस्तों अक्सर औकात बुजुर्गों में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना एज के साथ साथ जो ब्रेन सेल है उनकी डैमेज होने की वजह से भी अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों ये चंद एक कॉजेज थी जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट में अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है अल्जाइमर डिजीज के केस में। दोस्तों सबसे पहली जो मेन मेडिसिन है अल्जाइमर डिजीज की वो है एनाकार्डियम, यानी एनाकार्डियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जो है ना वो भूल जाते हैं और बहुत जल्दी जो है ना वो भूल जाते हैं, और इवन के यहाँ तक कि वो अपने फैमिली मेंबर के नाम तक जो ना भूल जाते हैं, और उनकी जो भूलने की माइंड की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इससे ऐसे अफराद के लिए ये मेडिसिन जो है ना अल्जाइमर डिजीज में एनाकार्डियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा वर्क करती है और लॉन्ग टर्म में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है, और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनकी बहुत ज्यादा भूलने की टेंडेंसी होती है। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में वो है कालीफास और अग्नेशिया। दोस्तों ये कालीफास और अग्नेशिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है अल्जाइमर डिजीज के केस में ऐसे अफराद में जिनको बहुत ज्यादा जो है ना वो डिप्रेशन का इशू हो, और वो बहुत ज्यादा जो है ना वो सैडनेस रहते हो, अकेला रहते हो, वो सोशल जो है ना वो गैदरिंग में जो है ना ना करते हो, वो बहुत ज्यादा जो है ना अलोन जो है ना पसंद करते हो, और उनमें माइंड में एक एग्रेवेशन जो है ना वो देखने में आती है, एक एग्जॉशन जो है ना वो देखने में आती है, और उसमें जो है ना एक रोने का वीपिंग स्पेल जो है ना वो भी देखने में आता है, और उसके साथ साथ इनको इंसोम्निया का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। या ऐसे अफराद में जो अक्सर औकात उनके जो किसी पास्ट इवेंट में किसी प्यारे की जो डेथ की वजह से या किसी पास्ट में हैपनिंग की वजह से जो है ना उनके माइंड में उस चीज के असरात जो है ना वो रह गए हों, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसकी वजह से अगर उनको जो है ना एक इंसोम्निया का इशू है और पेशेंट जो माइंड है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता हो, बहुत ज्यादा जो है ना उस पास्ट इवेंट को सोचता हो, और सोचने की वजह से उनको एक वीपिंग स्पेल जो है ना रोने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती हो, वो अकेला रहना पसंद करता हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है अल्जाइमर डिजीज के में वो है मेडुलिनम। जो दोस्तों मेडुलिनम के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी भूलने की टेंडेंसी होती है, जो कि फेमस प्लेस होती है या फिर फेमस नाम होते हैं, और वुमन उनकी जो लॉस ऑफ मेमोरी होती है वुमन कन्वर्सेशन के दौरान जो है ना वो लफ्ज जो है ना वो भूल जाते हैं, यानी जब भी वो किसी से बात करते हैं तो वो नाम भूल जाते हैं या किसी फेमस प्लेस का नाम भूल जाते हैं या किसी इंसान का नाम भूल जाते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन मेडुलिनम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो बहुत अच्छा वर्क करती है मेडिसिन कैनबिस इंडिका। दोस्तों ये कैनबिस इंडिका हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जब आपकी जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म जो है ना वो मेमोरी जो है ना उसका इशू जो है वो देखने में आ रहा हो, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इशू जो है वो देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में कैनबिस इंडिका बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ऐसे अफराद जो कोई भी टास्क हाल ही में कंप्लीट करके आए हों और उसका उसको बाद उनको जो है ना उस चीज के मतलब जो है ना वो याददाश्त जो है ना वो भूल जाती हो, तो वो कौन सा टास्क जो है ना वो कंप्लीट करके आए, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन कैनबिस इंडिका बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपने बहुत ही अच्छे से वर्क करती है अल्जाइमर डिजीज के केस में। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज का इशू है तो वो ये मेडिसिन जो है ना अपने नजदीकी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के जो मुताबिक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो असर करती है अल्जाइमर डिजीज में।
दोस्तों जो को आपको पता है कि अल्जाइमर डिजीज में या होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो एज ए सिम्टम जो है ना वो प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो है ना मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।